वीडियो एडिटिंग आज के समय में बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंसान की जरूरत भी बन गया है, क्योंकि हम बिना वीडियो एडिटिंग किए कुछ भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम यूजर हैं, टेलीग्राम यूजर हैं, फेसबुक यूजर हैं या फिर यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको एडिटिंग का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप वीडियो को मैनेज कर सके, अच्छे से एडिट कर सके। अगर आप रील्स बनाते हैं तो भी आपके लिए एडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं तो भी एडिटिंग बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एडिटिंग हमारे शरीर का भी एक अंग बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एडिटिंग कैसे करें, यूट्यूब के लिए करें या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एडिटिंग कैसे करें। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप, और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पे अभी आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटा जोर से इतना जोर से बजाएं कि ऐसे ही बिजली कड़कने लगे और टन से आवाज जरूर करें। तो दोस्तों, हमें एडिटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? देखिए, अगर आप अपने स्मार्टफोन में एडिटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ऐप इंस्टॉल करना जरूरी होता है। नॉर्मली एडिटिंग नहीं कर पाएंगे वीडियो का, तो आपको ऐप इंस्टॉल करने के लिए 2 से 3 ऐप मैं बताऊंगा, 4 ऐप 5 जितना यूज करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पूरा आइकन उसका दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप ये देखिए, पावर डायरेक्टर, गाइड मास्टर, VN, इस तरह से तमाम ऐप है, आप देख सकते हैं सभी ऐप्स को। तो मुझे देखिए, मैं एडिटिंग करता हूं तो क्या करता हूं, मैं एडिटिंग सिर्फ इन दोनों ऐप से करता हूं, काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर से। VN से थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेता हूं जब थोड़ा ज्यादा इफेक्ट डालना होता है। तो देखिए, वीडियो में ज्यादा इफेक्ट रहेगा, वीडियो ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा तो लोग आपकी तरफ वैसे ही खींचे चले आएंगे, आपके वीडियोस को देखेंगे। तो आप वीडियो अट्रैक्टिव बनाइए, मस्त बनाइए। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं कैसे इसको कॉम्बिनेशन करता हूँ, कैसे कंबाइन करता हूँ, लाइट्स वगैरह हर चीज का ध्यान रखते हुए एडिटिंग करता हूँ। तो आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और यूट्यूब बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरह से हमें यूट्यूबर बनने के लिए हर एक चीज को, हर एक स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए, आपको हम दिखाते हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर। तो अभी हम काइन मास्टर ऐप में एडिटिंग करके बताएंगे। तो आपको काइन मास्टर में एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो शूट कर लेनी है। जी हाँ, वीडियो शूट कर लेनी है। काइन मास्टर ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप उस पर टैप करके काइन मास्टर ऐप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी चलिए, काइन मास्टर ओपन करने के बाद हम उसे एडिटिंग करते हैं। आपको अपने फोन में काइन मास्टर ऐप खोल लेना है। जी हाँ, काइन मास्टर ऐप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन में काइन मास्टर नहीं या फिर काइन मास्टर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ये दिया है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पर टैप करने के बाद आपके सामने सारा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें देखिए 16:9, इसमें आप YouTube के लिए वीडियो एडिट कर सकते हैं। ये है 9:16, इसमें आप रील्स के लिए एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें Instagram के लिए एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको इसमें कई सारे स्किल दिए हुए हैं, आप किसी पे टैप करके एडिट कर सकते हैं। तो मैं YouTube के लिए एडिट करूँगा तो 16:9 पे जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखिए, ये देखिए नेक्स्ट दे रहा है, नेक्स्ट पे टैप करेंगे। आपने जैसे ही टैप किया तो आपके सामने पूरा गैलरी आपका खुल के आ जाएगा, जो आपको एडिट करना होगा वो वीडियो आपको खोलनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी जो वीडियो बनाया, मेरे पास जो वीडियो पड़ा है मैं उसको एडिट करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं वो वीडियो लेता हूँ और उसको एडिट करता हूँ। वीडियो चूज कर लिया है, अब देखिए ये वीडियो है, अब हमें थोड़ा सा इसमें से क्रॉप करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे का हिस्सा इसमें ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करने के लिए आपको इस पर टैप करना है और जितना कट करना है उतना आप देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए आपको जितना कट करना है। अब मुझे मान लीजिए इसके आएगा कट करना है, ठीक है। तो ये ऊपर कैंची दिख रहा है, कैंची पर टैप करेंगे आप। कैंची पर टैप करने के बाद ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड। तो मुझे आगे का कट करना है तो ऊपर वाला करेंगे, अगर पीछे कट करना है इस साइड का कट करना है या इस साइड का तो ऊपर वाला, इस साइड का तो नीचे वाला, और हमें बीच से कट करना है तो ये स्प्लिट टू प्ले अहेड। तो हमें आगे कट करना है तो आगे का कट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे का कट हो चुका है, अब देखिए अब हमें इस पर टैप करना है और आपको अगर कलर वगैरह देना है, कलर मैनेजमेंट कर देना है तो इसमें ब्राइटनेस, कॉन्स्ट्रेस्ट, सेचुरेशन, वाइब्रेंस, इसमें जो भी आपको मतलब देखना है आप इसमें से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरा कलर
कलर वगैरह तो सब सही है, हम थोड़ा बहुत दे देते हैं कलर, इसमें क्या करना है। ठीक है, बस हो गया कलर। अब उसको फिर से वापस आपको देख लेना है वीडियो प्ले करके कि आपको और कहाँ कट वट करना है, तो आप वहाँ पे कट लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे क्या, वीडियो रोक के इस पर टैप करना है और यहाँ से थोड़ा सा हम बीच से कट लगा लेते हैं कि हम आगे थोड़ा सा इफेक्ट दे सकें। तो इस पर आए, उसके बाद क्लिप ग्राफिक्स पे जाते हैं। क्लिप ग्राफिक्स पे जाएंगे तो आप यहाँ से अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं कुछ अलग ही करता हूँ, मैं सिनेमेटिक पे गया, उसके बाद मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए ये कैसा लग रहा है, ये देखिए, ये बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे प्ले करके अब ये देखिए बेकार सा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। इस पर टैप करेंगे, फिर इसे डबल टैप करके कट करेंगे, उसके बाद यहाँ जाके यहाँ से फिर शुरू हुआ है, तो इसके आगे का हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कट, ऐसे हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको देखिए क्या देखना है। अगर आपको मान लीजिए, पहले तो आवाज़ आप इसमें बढ़ा लीजिएगा, आपको इसमें आवाज़ बढ़ा लेनी है। आवाज़ बढ़ा लेंगे तो आपके हिसाब से आवाज़ तेज़ हो जाएगी। अभी आवाज़ को थोड़ा सा और क्लियर करना है तो EQ पे जाएंगे और यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ट्रेबल को बूस्ट कर देता हूँ, कहें क्योंकि हमारे आवाज़ में थोड़ा बहुत बेस है, तो मैं ट्रेबल बूस्टर कर देता हूँ। ओके हो गया, मेरा ट्रेबल बूस्ट बढ़ गया। अब देखिए हमें कोई भी लेयर लगाना, जैसे मान लीजिए हम इसमें से ले लेते हैं बादल ऊपर से गरज रहे हैं, जैसे हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ऊपर से बादल गरज रहे हैं, तो यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं स्टिकर में, स्टिकर में जाएंगे तो आपको देखिए इसमें डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी। अब इस पर टैप करते हैं और ऊपर से बादल गरजने वाला ये ले लेते हैं, फिर इसे टिक करते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको बड़ा करके ऐसे ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का दिखे कि लग रहा है लोगों को बादल गरज रहा है। अब देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये लेयर है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमें इसमें जो का लोगो लगाना है तो इस पर टैप करें और आप कोई लोगो चूज कर लें। मैं अपने चैनल का लोगो उठा लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये मेरे चैनल का लोगो है, इसको मैंने छोटा कर लिया, आप यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको टच करके यहां पे आप लोगो लगा सकते हैं। देखिए मैंने लोगो लगा दिया, ये हो गया लोगो। आप इसको ऐसे करके बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये आपको डिपेंड करता है आपको क्या करना है, कितना रखना है इसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपको इफेक्ट इसमें डालने हैं, तो आप इफेक्ट पर टैप करके आप यहाँ से कोई इफेक्ट ले सकते हैं। ये देखिए मैं इसे ले लेता हूँ, ये इफेक्ट डाल दूंगा तो जैसे लगेगा कि वीडियो अभी लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको कट कर देता हूँ। अभी देखिए हमें कोई मान लीजिए म्यूज़िक लगाना है, इसके बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक ले लेते हैं, तो इस म्यूज़िक पर टैप करते हैं और फोल्डर पर आते हैं, और मेरे पास एक म्यूज़िक है इसके बैकग्राउंड में लगाने के लिए, तो 6 सीजन म्यूज़िक मैं डाउनलोड कर रखा ऑलरेडी, मैं इसको टैप करके ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका साउंड बिल्कुल कम कर लेना है आपको, लगभग 10 से 20 के अंदर में कर लेना है, ताकि ये ज़्यादा आवाज़ ना रहे, बैकग्राउंड म्यूज़िक हल्का चलता रहे कि अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हमें लेयर पर जाते हैं और कुछ लिखना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने इंस्टाग्राम को लोगों को दिखाना चाहता हूँ, @ मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी लिख दिया, ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप यहां से इसका साइज़ देख सकते हैं, साइज़ मैं पूरा बड़ा ले लेता हूं। ठीक है, यहां से आप इसका कलर देख सकते हैं, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कलर चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप ये देखिए आउटलाइन में अगर मान लीजिए आप वाइट कलर का लेते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा, या फिर पीला ले लेते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद ओके कर दिए, फिर इस पर टैप करके आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ग्लो लगा सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं बैकग्राउंड, तो मैं शैडो इसका ले लेता हूँ क्योंकि शैडो अच्छा लगेगा। अब इसको हम यहाँ साइड में लगा देते हैं, ये देखिए हमने इसको साइड में लगा दिया, ऐसे आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी इफेक्ट डालने तो आप इस पर टैप करेंगे और थोड़ा सा इसमें से स्पेस ले लेंगे और फिर इसको स्लिप कर देंगे। उसके बाद आपको मान लीजिए इसमें कोई इफेक्ट लगाना है, जैसे आपको इफेक्ट लगा के मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से इस इफेक्ट को चूज़ कर ये नहीं लगाना है, मान लीजिए हम ये इफेक्ट चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, आप देख सकते हैं ये इफेक्ट लग गया है, ये देखिए इफेक्ट मैंने लगा दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको एडिट करना है काइन मास्टर से, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है एडिट करते वक्त तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अब हम इसे सेव करेंगे, देखिए ऊपर वो है उस पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद आप यहाँ से इसकी देखिए क्वालिटी ले सकते हैं,
14:40, 10:80, ठीक है। उसके बाद इसको 30 पे कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से लो और हाई करना है, आपको जो अच्छा लगे हाई लो कर सकते हैं, इसकी साइज है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कम और अधिक कर सकते हैं। फिर सेव पे टैप कर देंगे, नीचे सेव दे रहा है उस पर आप। तो दोस्तों ये थी बेसिक स्किल काइन मास्टर की। जी हाँ, काइन मास्टर से आप बिल्कुल ऐसे एडिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो इंस्टा लिंक भी मैंने डाल रखी है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। कोई भी क्वेरी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक स्किल काइन मास्टर पे एडिट कैसे करें और अपना अपग्रेड कैसे करें अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर घंटा जोर से दबा दें। थैंक यू, जय हिंद।